हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो खुद से भी ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप सीधा का सीधा अगर आप सोचोगे हाँ इसकी सॉर्टिंग कर देंगे और सॉर्टिंग करके इसमें सेट को यूज़ कर लेंगे, सेट को यूज़ करके अपने पास यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी और अपन उसको रिटर्न करा देंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक हिडन प्रॉब्लम है। वो हिडन प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है? वो हिडन प्रॉब्लम ये कहना चाह रही है कि आपको रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स, बोला ठीक है, और उसके बाद में आपको यूनिक भी देना है और आपको लेक्सिस ग्राफिकली स्मॉलर वैल्यू को रिटर्न करना है। लेकिन आप यहाँ पे रिलेटिव पोजिशंस को चेंज नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग, रिलेटिव पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो कि अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल को देख के, कि हाँ बी सी ए बी सी कुछ भी दिया हुआ था, अपन ने क्या किया, इसमें से यूनिक निकाल लिया, ए बी सी तीन यूनिक है, तीनों को सॉर्ट किया और आंसर में रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, बाय लक ऐसा हो गया कि अपने पास ए बी सी ही आ गया सॉर्टेड एग्जैक्ट इसी फॉर्म में, इसलिए अपन ने ए बी सी रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने ए बी सी डी रिटर्न नहीं कराया। इसका मतलब अपन ने इसको सॉर्टिंग तो करी है, ठीक है, मतलब इस अब ये तो स्टार्ट हो रहा था सी से, ये स्टार्ट फिर सेकंड लेटर था भी, फिर भी अपन ने थर्ड लेटर को सीधा पुल अप कर लिया है, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे अपन ने ए बी सी डी रिटर्न नहीं कराया। क्यों? क्योंकि जब अपन ने इसको लिया, ए को लिया, उसके बाद में फिर क्या था, उसके बाद में अपने पास सी जो है पहले वो आ रहा था, उसके बाद में बी आ रहा था, ठीक है, बी पहले अपना नहीं आ रहा था। ये जो है ना, सिर्फ अपने पास एक लास्ट बी बचा था जो कि सीधा का सीधा यहाँ पे नहीं आ रहा था। ये अपना रीज़न था बी को ना लेने का। तो अपने को यहाँ पे क्या है, रिलेटिव पोजिशन मेंटेन करके रखनी है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझाया पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन मैंने अपने को एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग क्या कह रही है, सी बी ए सी डी फिर सी बी और सी, ठीक है, ये अपने स्ट्रिंग है, बोला ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने बोला सी है, ठीक है, अब मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसमें से रिटर्न करवानी है, ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट तो क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोले तो कि मेरे को सॉर्ट करके रिटर्न करवानी है, मतलब लेक्सोग्राफिकली स्मॉल होनी चाहिए, बोला ठीक है, लेक्सोग्राफिकली मतलब कुछ भी नहीं होता, वो सॉर्टेड वे में होनी चाहिए, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है कि मुझे इसकी जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव करनी है, तो रिमूव डी डुप्लीकेसी, बोला ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब ये दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले मैं आया सी के ऊपर, बोला ठीक है, तो अब सी के ऊपर आप इनिशियली आए, आपको कुछ भी पता नहीं था। देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं ना, उसी से अपनी प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। देखो, ठीक है, तो अपन बड़े आराम से समझते हैं। अपन ने सपोजिंगली एक कंटेनर बना लिया, अपने कोई आइडिया नहीं था कि अपना सी आएगा क्या आएगा, कोई आइडिया नहीं था, बोला ठीक है, अपने पास सबसे पहले आई स्ट्रिंग सी। अब सी को अपने पास अभी तक कुछ भी नहीं पता, अपन ने चुपचाप सी को ले लिया, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपने पास आया बी, ठीक है, हाँ, अब बी जो है वो सी से छोटा है, बोला ऑफकोर्स ये बात है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो अपन ने ऑफकोर्स ये बात है एक बार नज़र मार लिया कि क्या सी आगे अपने को मिल जाएगा क्या, बोला हाँ जी भैया, सी आपको आगे मिल जाएगा, वैसे भी सी एक ही बार लेना था, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस बी को हटा देंगे, और अपन ने बोला, अपन ने सॉरी बी सी को हटा दिया, और अपन ने बोला वो अपना फर्स्ट जो लेटर हो चुका है वो बी हो चुका है, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने पास आया ए, बोला ठीक है, जब अपने पास ए आया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने देखा कि अभी तक इसमें क्या स्टोर्ड है, बोला अभी तक इसमें बी स्टोर्ड है। फिर अपन ने बोला बी आगे मिल जाएगा क्या, बोला हाँ जी भैया बी भी आगे मिल जाएगा। तो फिर अपन ने क्या बोला, बोला बी को भी हटा दो और यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, क्योंकि ए क्या है अपना सबसे छोटा है, तो अच्छा ही है, अपने पास सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी इसी से, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद में हम क्या गए, सी पे गए, बोला ठीक है, अब यहाँ पे सी पे आए थे, सी क्या है, सी अपने आप में बड़ा है ए से, तो ऑफकोर्स ये बात, अपन ये नहीं चाहेंगे कि स्ट्रिंग अपनी जो स्टार्ट हो सी से हो, अपन यही चाहेंगे अपनी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया कोई डाउट नहीं है। तो अपन ने चुपचाप सी को ले लिया, बोले ठीक है। फिर अपन डी के पास में गए, डी के पास में जाने के बाद में अपन ने क्या बोला, डी के पास में जाने के बाद में अपन ने ये बोला कि आप बताओ कि क्या इसमें जो पहले से स्टोर्ड है, जो डी से जस्ट पहले जो स्ट्रिंग इसमें स्टोर्ड है, क्या वो अपने पास इससे बड़ी है या छोटी है, बोला छोटी है, तो ऑफकोर्स ये बात है फिर अपन डी को भी रख लेंगे, अपन ये सी को नहीं हटाएंगे, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने बोला क्या सी अपने पास ऑलरेडी आ चुका, तो बोला हाँ जी भैया सी आपके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हटा दो। फिर अपन गए बी के पास में, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इस बात को ध्यान से समझना, अब अपन बी के पास में गए, बी के पास में जाएंगे, इसको बोलेंगे कि क्या भैया बी क्या जो वैल्यूज लास्ट इसमें स्टोर कराई गई थी क्या वो बी से बड़ी है, बोला हाँ जी भैया वो बी से बड़ी है, वो वैल्यू बी से बड़ी है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि अपन ने आगे देखा
कि अपने को आगे कहीं भी मिल जाएगा? बोला नहीं भी, आगे आपको कहीं भी मिलेगा ही नहीं। अगर आपको आगे भी नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स ये बात आपको रखना पड़ेगा इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसी प्लेस पे, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। बोला ठीक है, तो बी हट गया। फिर आपने बोला सी, बोला सी ऑलरेडी अपन ने ले लिया था। तो अपना अब अपना आंसर क्या हो गया? अब देखो यहाँ से अपना आंसर उठाना स्टार्ट करो। सबसे पहले आया था ए, फिर आया सी, फिर आया डी और फिर आया बी। समझ गए इस बात को? क्या ये वही आंसर है जो अपने को चाहिए था? बोला हाँ जी, ये वही आंसर है जो अपने को चाहिए था। तो अब आप खुद बताओ कि क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है? बोला हाँ जी भैया, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। साथ ही साथ में इसमें इसके अंदर अपने सारे के सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया। बोला हाँ जी भैया, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। यही अपने क्वेश्चन के, यहाँ से आपको आई होप कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो गई होगी। और यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि यही अपन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इसको बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे अपन ने कंटेनर की मदद से क्यों समझाया, जिससे आपको एक थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए कि अब आप एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, डायरेक्ट आंसर की तरफ इंप्लीमेंट, आंसर की तरफ मत आओ। इसी मेथड से अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो एक बार इस मेथड को उठाओ और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, सोचो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और जब भी अपन चेक करने की बारी थी तो अपन लास्ट से चेक कर रहे थे, तो लास्ट से चेक कर सकते हैं। ये कंटेनर ऑफकोर्स ये बात है स्टैक या क्यू में से एक लग रहा होगा। अब ये आप बताओ कि कौन सा लग रहा होगा, ठीक है। एक तो वो हो गया आपके लिए एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा हिंट ये हो गया कि अपन ने पहले देख लिया कि अपन इसकी डुप्लीकेसी को कैसे मेंटेन करके चलने वाले हैं। अब यहाँ पे अपन ने तो सिंपल सा बोल दिया था कि आगे देख लो आगे का सी प्रेजेंट है या नहीं, तो ऑफकोर्स बात है आप हर बार आगे देखने तो जाओगे नहीं, तो आप पहले ही क्या करा के रखोगे, सी की फ्रिक्वेंसी काउंट करा के रखोगे कि हाँ भैया सी की फ्रिक्वेंसी कितनी है। बोला सी की फ्रिक्वेंसी थी 1 2 3 4, 4 सी की फ्रिक्वेंसी थी। अपन सबसे पहले फर्स्ट पे खड़े थे, तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट को अपने कंटेनर में इंक्लूड कर लिया था। फिर अपने पास जब बी आया तो अपन ने बोला हाँ जी भैया ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसको अपन हटा देते हैं और बी को ले लेते हैं। पर पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि सी अपने को आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपने ऑफकोर्स ये बात क्या बोला था कि आपके 4 थी इसकी फ्रीक्वेंसी, बट आपने जैसे ही 1 को लिया तो आपने इसको माइनस कर दिया था। आपने बोला था आप 3 फ्रीक्वेंसी बची आगे, हाँ। लेकिन आप फिर जब आप इसको बी को देखने गए कि हाँ भैया बी को पुश करा सकते हैं कि, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने देखा कि हाँ भैया सी की तो 3 फ्रीक्वेंसी अभी तक बची है, इसका मतलब सी आगे और अपने को मिल जाएगा। सी को हटा दो यहाँ से और अपने को बी को आगे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यही अपन एग्जैक्टली सेम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देख लेते हैं अपन एक बार यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद में अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक स्टैक बनाई है। स्टैक क्या बनाई है अपन समझ गए, ये वाले कंटेनर की अपन बात कर रहे हैं, हाँ ये अपन ने स्टैक टाइप कंटेनर बनाया था। बोला ठीक है, एक अपन ने क्या बनाया, बोला वेक्टर बनाया। अब ये वेक्टर क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी को काउंट करा रहा है। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, अपन ने वेक्टर बनाया, कुछ भी बनाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप वेक्टर में कैसे स्टोर कराओगे, आपने वेक्टर भी टाइप का बनाया, आपकी की वैल्यू पेयर को कैसे कैसे स्टोर कराओगे समझ में नहीं आया। तो देखो अपन ने क्या किया कि अपन ने एक वेक्टर बनाया 26 साइज का। बोला ठीक है, अपन ने यहाँ पे वेक्टर बनाया 26 साइज का। तो अब आप सबसे पहले तो ये बताओ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं। बोला ठीक है, उस हिसाब से अपन ने क्या किया कि अपन ने एक वेक्टर बना दिया। अब अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्या किया कि सबकी सबके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करा दी, 0 स्टोर करा दी, ठीक है। हाँ 26 साइज के वेक्टर के अंदर अपन ने सबके अंदर वैल्यूज को स्टोर करा दिया 0। बोला ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका मतलब अपन इसके अंदर कैसे क्या मेंटेन करने वाले हैं। अपन ने बोला ए है, ए में से ए को माइनस कर दो क्या आएगा, बोला 0 आएगा। तो अपन ने बोला जो 0th इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ओके। अगर आपको सपोज कर लो कि बी का निकालना है, तो बी में से अगर अपन ने ए को माइनस किया तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। अगर आप ई में से माइनस करोगे ए को, तो ई में से जैसे ए को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ई क्या होता है, ई में से माइनस करोगे जैसे ए को तो 5 आएगा। बोला हाँ जी भैया 5 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ई आ गया। ऐसे ही अपन आगे तक बढ़ते जाएंगे और अपने पास सारी की सारी वेक्टर में सारी की सारी वैल्यूज़ को अपन मेंटेन कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने यहाँ पे पता चल गया कि अपने को 26 साइज का अपन ने वेक्टर क्यों बनाया। बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में फिर अपन ने एक वेक्टर बूल बनाया कि वेक्टर बूल क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि क्या अपना ये वाला करेक्टर है वो ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर अपन इधर जाएं, इधर जाके समझने की कोशिश करें कि अपन ने क्या किया, ए को लिया। बोला ठीक है, फिर ए को लेने के बाद में अपन ने सी को ले लिया था, हाँ। फिर सी को लेने के बाद में अपन ने डी को लिया। अब यहाँ पे सपोज करो कि डी के बाद में जब ये बी आया था ना, हाँ, तब डी के बाद में जब बी आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि अपन ने क्या बोला कि डी जो है वो आगे प्रेजेंट नहीं है, डी आगे प्रेजेंट नहीं है। ऑफकोर्स ये बात है, बोला हाँ जी भैया डी आगे प्रेजेंट नहीं है। तो अपन ने क्या किया था कि डी आगे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन ने क्या बोला, बी को आगे इंसर्ट कर दो, डी यहाँ से नहीं हटेगा। अब डी वहाँ से उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे नहीं हटा, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला था कि अब इसको मेंटेन करके कैसे चलेंगे, कि अपना डी जो है वो ऑलरेडी अपने पास इन स्टैक है, मतलब अपन डी ऑलरेडी इस वेक्टर के अंदर ले चुके हैं, सी अपन इस ऑलरेडी इस वेक्टर के अंदर ले चुके हैं, ए ऑलरेडी अपन इस वेक्टर के अंदर ले चुके हैं। तो जो जो भी वैल्यू अपन इस वेक्टर के अंदर लेते जाएंगे उसको अपन ट्रू मार्क करते जाएंगे, उसको अपन ट्रू मार्क करते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। और कभी अपने को उसको निकालना पड़ गया तो वापस अपन उसको क्या करेंगे, फॉल्स मार्क कर देंगे। बोला ठीक है।
तो अपन ने बाई डिफॉल्ट क्या कर रखा है, सबको फॉल्स मार्क कर रखा है कि अभी तक अपने उस वेक्टर में एक भी वैल्यू नहीं गई है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन ने एक फोर का लूप चलाया। इस बात को ध्यान से समझना, ये फोर का लूप अपना क्या कहना चाह रहा है। इस फोर के लूप में अपन कुछ भी नहीं कह रहे, फोर के लूप में अपन आए, आके अपने जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ना इसके ऊपर चला रहे थे। बोले ठीक है, चलाते वक्त अपने क्या किया, काउंट नाम का जो अपना वैक्टर था उसके अंदर क्या किया, ये जो भी इसका कैरेक्टर आया, तो सबसे पहला कैरेक्टर आया बी, बी में से माइनस किया ए को, बी में से माइनस किया ए के आएगा वन आएगा। बोले ठीक है, जैसे ही वन आया, वन के अंदर अपन मतलब अपन ने क्या कर दिया कि जो इसका वन इंडेक्स वाला है काउंट का, मतलब काउंट वाला जो वेक्टर है उसका जो वन इंडेक्स है उसकी अपने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। अब वहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या हो चुकी है, वन हो चुकी है। फिर सिमिलरली अपना सी आया, फिर ए आया, बी आया, सी आया, तो अपन ने क्या करा, सबकी फ्रिक्वेंसी को काउंट कर लिया वहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है। सिंपल सी बात है, बोला जी भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, फिर अपन ने वापस एक फोर का लूप चलाया। अब इस फोर के लूप में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने बी को लिया। बोले ठीक है, बी को लेने के बाद में अपन ने क्या किया, अब सबसे पहले अपन बी को ले रहे हैं तो अपन क्या बोल देंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर दो, कि अब अपन ने बी की एक फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर लिया है। बोले ठीक है, फिर अपन ने बोला कि क्या ये ऑलरेडी अपने इस वेक्टर में प्रेजेंट है, जो अपना फाइनल वेक्टर, सॉरी जो अपनी स्टैक है उसके अंदर प्रेजेंट है। बोला नहीं भैया, अभी तक तो स्टैक के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, अब इसके प्रेजेंट होने की कहाँ से बात कर रहे हो, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर ये फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू नहीं होगी। बोला ठीक है, फिर उसके अंदर अपने पास वाइल का लूप आया। वाइल के लूप में अपन ने क्या बोला कि क्या कैरेक्टर स्टैक अपना एम्प्टी है, क्या कैरेक्टर स्टैक अपना एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो मतलब नहीं भैया वो अपना एम्प्टी था, अपने फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया कि कैरेक्टर स्टैक के अंदर इसको बी को पुश ऑन कर दिया, या फिर अपन इस वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्या है बहुत छोटा है तो जल्दी से हो जाएगा, अपन इस वाले से समझते हैं, ये बड़ा आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बोले ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सी को सीधा सीधा उसके अंदर स्टैक के अंदर पुश करा दिया। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी को अपन ने उसके अंदर पुश करा दिया, और अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पे जो इन स्टैक है उसको भी ट्रू मार्क कर दो, कि हाँ भी अपना सी जो है वो एक बार इंसर्ट हो चुका है, मतलब अपना जो सी है वो उस स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। समझ गए इस बात को, बुलान जी समझ गए, तो अपन क्या समझ सकते हैं, हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे नीचे आओ, अपन यहाँ पे आंसर के साथ में मेंटेन भी कर लेते हैं कि अपना जो सी है वो इंसर्ट हो चुका है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आप वापस आओ, वापस आए, वापस आने के बाद में फोर का लूप चल ही रहा था अपना, यहाँ पे थे अपन, बोला हाँ जी भैया अपना सेकंड वैल्यू आई, सेकंड वैल्यू क्या है, बी आई। बोला ठीक है, बी आई, बी की भी फ्रिक्वेंसी अपन ने माइनस माइनस कर दी। बोला ठीक है, अब बताओ कि क्या बी ट्रू मांगता है। बोला नहीं भैया, बी ट्रू मांग नहीं है, बाई डिफॉल्ट सारी वैल्यूज फॉल्स मांगती, और अभी तक बी से अपना पाला पड़ा ही नहीं है, तो अपन ने बी को कहीं पे भी ट्रू मार्क नहीं किया। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला, वाइल का लूप अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब ये वाइल के लूप में क्या हुआ, सबसे पहले तो अपन ने बोला कि कैरेक्टर स्टैक अपनी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भाई एम्प्टी नहीं है, अपनी कैरेक्टर स्टैक में क्या प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पे सी प्रेजेंट था। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि जो भी कैरेक्टर स्टैक के टॉप पे वैल्यू प्रेजेंट है वो बड़ी होनी चाहिए सी से। बोला हाँ जी भैया वो अपनी वैल्यू बड़ी है सी से। सी अब यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सी में क्या वैल्यू है, बी वैल्यू है। बोले ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो बड़ी होना चाहिए बी से। बोला हाँ जी भैया ऑफकोर्स सी बात है, जो सी है वो बी से बड़ा है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथ ही साथ में फिर अपन ने क्या बोला कि जो ये सी है, जो भी इसके टॉप पे वैल्यू है, ठीक है, हाँ उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब वो आगे भी कहीं मिलना चाहिए। पता चले आपने सी को यहाँ से हटा भी दिया और वो आगे कहीं मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया वो आगे भी मिल जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी भी ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करोगे कि आप एक दो काम करोगे, एक तो इन स्टैक में उसको फॉल्स मार्क कर दोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया था कि वो ट्रू मार्क्ड है, मतलब अपन उसको ले चुके हैं, बट यहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं उसको अपन नहीं रख रहे हैं, उसको अपन रिमूव कर देंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस उसको फॉल्स मार्क करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपने क्या क्या किया, उसको करेक्ट स्टैक में से भी पॉप करा दिया। सिंपल सी बात है, बुलान जी भैया सिंपल सी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, वाइल का लूप अपने आप फॉल्स हो गया, रीजन इज क्योंकि अपनी करेक्ट स्टैक एम्प्टी हो चुकी थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बुलान जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, करेक्ट स्टैक में पुश कर दिया, तो अब यहाँ से सी हट चुका है और अपना बी क्या हो चुका है, पुश हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली फिर सेम फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई हुआ, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर अपन यहाँ पे आते हैं, वापस स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपने पास सी मतलब ए सी डी भी बच चुका है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए सी डी भी बच चुका है। हाँ, अब ए सी डी भी बच चुका है, अब ये क्या है, अब अपन इसको क्या करेंगे, रिजल्ट नाम की अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि जब तक अपना जो करेक्टर स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक इसके ऊपर इटरेट करते रहो। बोले ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, जो रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग थी इसके अंदर जो भी करेक्टर स्टैक का टॉप आया वो अपन ने ले लिया। बोला ठीक है, तो टॉप क्या आएगा इसका, ऑफकोर्स ये बात है टॉप आएगा बी। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया, टॉप लिया और टॉप के अंदर क्या इंसर्ट, टॉप के अंदर क्या प्लस करवा दिया, क्या कॉन्केट करवा दिया, रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी अपना एम्प्टी था तो कुछ भी कॉन्केट नहीं हुआ, तो अभी अपने रिजल्ट स्ट्रिंग में क्या है, बी है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, उसके बाद में इसको पॉप कर दिया, और फिर पॉप करके दोबारा अपन ने सेम काम किया। ठीक है, तो दोबारा सेम काम किया, तो अब इसके आगे क्या लग चुका है, इसके आगे डी लग चुका है। ठीक है, डी प्लस जो भी रिजल्ट में पहले से वाली थी, रिजल्ट में पहले से वाली क्या थी, बी थी। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू रिजल्ट में आ चुकी है। फिर अपन ने सी प्लस कर दिया,
फिर अपन ने ए प्लस कर दिया, तो लास्ट में क्या बन गया, ए सी डी भी बन गया, बोला जी वही बन गया, और वही अपने क्या करा दिया रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो देखो यहाँ पे आओ, सबसे पहले अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे फोर का लूप अपन ने यूज़ किया, बोला हाँ जी भैया, तो ऑफ एन तो यहीं पे हो गई, बोला ठीक है। फिर यहाँ पे फोर का लूप यूज़ किया, ठीक है, तो ऑफ एन चल रही है। उसके बाद में यहाँ पे अपन ने एक सिर्फ इफ की कंडीशन पास करी और ये ऑफ वन में अपने आंसर दे देगा, तो ठीक है यहाँ पे छोड़ दो। ये वाइल का लूप है, वाइल का लूप वर्स्ट केस सिनेरियोज में कितना जा सकता है, मतलब भैया वर्स्ट केस सिनेरियोज में जब अपने को आगे ही सारी वैल्यूज मिल जाए तो अपना मैक्सिमम जा सकता है एन बाई टू, बोले ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं पे नहीं जाएगा, बोले कहीं पे नहीं जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल ऑफ एन लॉग एन अपनी क्या हो सकती है, मैक्सिमम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। अब अगर अपन बात करें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वो अपन कितनी यूज़ कर रहे हैं, तो देखो 26 है वैसे तो, यहाँ पे अपन कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे अपन कॉन्स्टेंट बोलेंगे नहीं क्योंकि 26 अपनी क्या हो सकती है, स्ट्रिंग की साइज भी हो सकती है। तो अपन इसको ऑफ एन भी ले सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली इसके साथ में भी सेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो करेक्टर स्टैक है इसके साथ में भी सेम है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम इसकी कितनी हो गई, ऑफ एन, क्योंकि अगर ऑफ थ्री एन भी होती है तो अपन इसको क्या करते हैं, थ्री को हटा देते हैं और ऑफ एन ही बोलते हैं। तो इसकी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ एन लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ एन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।